टीवी पे देखते थे ना इनको, क्या करते थे ये, गाने गाते थे है? क्या करते थे? डिबेट करते थे। ये डिबेट किसी के कपड़ों पे नहीं करते थे, ये डिबेट किसी के नेताओं के और एक्टर्स के खाने पीने पे नहीं करते थे, ये किसानों की जमीन पे डिबेट करते थे, मजदूरों के मुद्दों पे डिबेट करते थे, ये नौजवानों की नौकरियों के पेपर फूटते थे उन पे डिबेट करते थे, ये स्कूलों पे डिबेट करते थे, ये अस्पतालों पे डिबेट करते थे, इसलिए आप इनको देखते थे। कई कई लाख रुपए महीने कमाते थे, लेकिन इसलिए छोड़ दिया इन्होंने अपनी नौकरी कि टीवी डिबेट करके जितना ठीक कर सकता था कर सकता था, अब राजनीति में आके ठीक करना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी के जब कार्यकर्ताओं से आप मिलोगे, इस गांव के, पाटन विधानसभा के, दिल्ली के, देश के, आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो कहीं बढ़िया नौकरी कुछ काम कर रहे थे, अपना घर चला रहे थे, लेकिन लगा कि नहीं अब काम नहीं चलेगा, बदलने के लिए आना पड़ेगा, परिवर्तन के लिए आना पड़ेगा। दिल्ली में ये हुआ, पंजाब में ये हुआ, और आज मैं गुजरात में होते हुए देख रहा हूं। आप सब ने आज यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होके, मैं 3 सभाएं कर चुका हूं कल से पाटन विधानसभा में, आपने बता दिया है कि पाटन का अगला विधायक कौन है, आपने पहले से बता दिया है, लेकिन संभाल के रखना लावेश भाई, आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है लोगों ने, एडवांस में बधाई दे रहा हूं मैं आपको इसके लिए। अभी मैं मंच पे आया तो बहुत सारे समाज के लोगों ने स्वागत किया, अलग अलग समाज, व्यापारी समाज, मजदूर समाज, राजपूत समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू, सब तरह के समाज के व्यापारी, बनिया समाज, सब तरह के लोगों के समाज के लोग आए। एक समाज ने पगड़ी दी, किसी ने गले में माला डाली, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस प्यार और इस सम्मान के लिए। ये जो परिवर्तन के लिए हम निकले हैं, आज लावेश भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। इस सभा में आज जितने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है मेरी उम्र के बहुत लोग हैं, 60-70 साल की उम्र के भी बहुत लोग हैं दिख रहे हैं। जो लोग बड़ी उम्र के नौजवान साथी तो थोड़ा पहली दूसरी बार इस तरह की चुनावी सभा में आ रहे होंगे, जो लोग बड़ी उम्र के हैं, इस चौक पे बहुत सारी सभाएं हुई होंगी, हुई है कि नहीं है? मेरे को गुजराती नहीं आती है, थोड़ा गुजराती में गरीब हूं मैं, ये मेरी गरीबी स्वीकार करो कि मैं गुजराती में गरीब हूं, मेरे को हिंदी आती है। आपको हिंदी आती है? हिंदी में बोलूं? देखो ये आपकी अमीरी है, आपको गुजराती भी आती है और हिंदी भी आती है, मेरे को खाली हिंदी आती है, ये दिल्ली वाले की गरीबी है। ये गुजरात वालों की अमीरी है कि गुजराती में भी बोल लेते हैं और हिंदी में भी बोल लेते हैं, गुजराती भी समझ लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था, इस चौक पे पॉलिटिकल सभाएं तो बहुत होती रहती होंगी, खूब होती होंगी, बड़ी सभाएं देखी होंगी आपने, दुकान वालों ने सुनी भी होंगी, आप सब छोटी सी जगह आए होंगे सुनने। याद करके बताओ कि क्या इस चौक के इतिहास में कभी इस बात पे चर्चा हुई है कि स्कूल बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? आज पहली बार चर्चा हो रही है इस बात पर। कभी चर्चा हुई है कि आओ वोट दे देना, हम आपके लिए स्कूल बनवाएंगे? कभी चर्चा नहीं हुई। कभी इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि वोट दे देना, हम आपके लिए अस्पताल बनवाएंगे? इस चौक के राजनीतिक इतिहास में कभी कोई राजनीतिक सभा इस बात पे नहीं हुई कि आपके घर में कोई बाहर जाए मोटरसाइकिल पे, कार पे, और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो चिंता मत करना, ऐसी सरकार लाओ जो दिल्ली की तरह से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको यह चिंता ना हो कि पैसे कहां से आएंगे, पैसे उसके इलाज के सारे सरकार देगी। इसकी चर्चा नहीं हुई कभी। कभी इसकी चर्चा नहीं हुई कि नौकरियों में पेपर फूट रहे हैं, हमारे नौजवान नौकरी नहीं करें क्या करेंगे, नौकरियां नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे, आज चर्चा हो रही है। यह परिवर्तन है। आज गुजरात में हर जगह इस परिवर्तन की बात हो रही है कि अब तो परिवर्तन चाहिए, अब तो बस परिवर्तन चाहिए। और इस बार का परिवर्तन नेताओं का परिवर्तन नहीं है, इस बार का परिवर्तन पार्टियों का परिवर्तन नहीं है, इस बार का परिवर्तन अपने घर के लिए परिवर्तन है, जिसको लावेश भाई ने कहा।
कि परिवर्तन अभी तक यही करते रहे। आपके शब्दों में अगर मैं कहूं लावेश भाई कि या तो सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा आदमी बना दो या अमित शाह के बेटे को बड़ा आदमी बना दो, यही परिवर्तन होता था। एक आता था कहता था वोट डालो सोनिया गांधी का बेटा बड़ा आदमी बनेगा, दूसरा आता था वोट डालो अमित शाह का बेटा बड़ा आदमी बन जाएगा। पहली बार अरविंद केजरीवाल आके कह रहे हैं कि वोट डालो आपका अपना बच्चा बड़ा आदमी बन जाएगा। उसको इतना शानदार पढ़ाई, मुझे कहा था 2015 में पहली बार राजनीति में आके चुनाव लड़ने गया तो मुझे दिल्ली में एक झुग्गियों में एक महिला ने मुझको पूछा, झुग्गियों दिल्ली में झुग्गियां बहुत हैं, दिल्ली की झुग्गियों में एक महिला ने पूछा कि भैया हमको हम तुमको वोट डालेंगे मकान दे दोगे, हमारे लिए बड़ा मकान चाहिए। मैंने कहा बहन नेता हूं अब ज्यादा बोलोगी, हो सकता है कह दूं कि मकान दे दूंगा लेकिन ईमानदारी की बात बताता हूं, ईमानदारी की बात बोलूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं आपको मकान दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। उसकी साथ में अपने बच्चे को लेके जा रही थी, ये छोटे बच्चे जितने चल रहे हैं ना ऐसे बच्चे को साथ में लेके जा रही थी सड़क पे, बच्चे के की ओर मैंने देख के कहा कि बहन मेरे को नहीं पता कि मैं तुम्हें बड़ा मकान दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने मुझको वोट दिया और सरकार बन गई तो आपके बच्चे को इतना बड़ा दूंगा तो कि बड़ा कर दूंगा कि ये आपका मकान बनवाएगा बड़ा वाला, ये आपको मकान में लेके जाएगा। आज ये तय करने का समय है साथियों कि हमको सोनिया गांधी का बेटे को बड़ा नहीं बनाना, हमें अमित शाह के बेटे को बड़ा नहीं बनाना, हमें अपने घर में बैठे हुए बच्चे को बड़ा आदमी बनाना है। और उसको बड़ा आदमी ना बीजेपी बना सकती ना कांग्रेस बना सकती, और मैं बड़ी बात कह रहा हूं ना आम आदमी पार्टी बना सकती, केवल और केवल स्कूल बना सकते हैं, उसको कॉलेज बड़ा आदमी बना सकते हैं। हम में और उनमें इतना ही अंतर है कि वो यहां पे आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे तो आपको समझाएंगे बीजेपी वाले कैसे खराब हैं, कितने खराब धर्म के हैं, कितने खराब जाति के हैं, कितने खराब उसके हैं। बीजेपी वाले आएंगे तो कांग्रेस वालों के बारे में समझाएंगे, देखो फलानी जाति के हैं, देखो फलाने धर्म के हैं, फलाने क्षेत्र के हैं, फलानी फलानी ऐसी शर्ट पहनते हैं, ऐसी कमीज पहनते हैं, ऐसी पैंट पहनते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे करते हैं। अरे कोई कहीं देखो, कोई कुछ शर्ट पहनो, कैसा पहनो, मेरे बच्चे के लिए स्कूल दोगे कि नहीं दोगे ये बताओ, मेरे बच्चे के लिए कॉलेज दोगे कि नहीं दोगे ये बताओ। यहां पे ये लड़के आए हुए हैं, फाइल दी है मुझको, एक बार बताना आप लोगों ने दी है। इनका कहना, इनकी मांग है, इनकी मांग महत्वपूर्ण है, लेकिन इस मांग से ज्यादा एक महत्वपूर्ण है जिसलिए मैं ये फाइल यहां मंच पे लेके आया। इस फाइल में इन लोगों ने मांग की है कि सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर नहीं है, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी नहीं है, मतलब पोस्ट ही नहीं क्रिएट की हुई है, यही बोल रहे हो ना। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर के पद नहीं बनाए हुए हैं गुजरात सरकार ने। 21वीं सदी में सन 2022 में अगर दुनिया में कोई यह सुनेगा कि भारत के एक राज्य में कंप्यूटर टीचर के पद नहीं बने हुए हैं, हंसेगा हमारे ऊपर, फिर पढ़ा क्या रहे हो। अरे 21वीं सदी में अगर आप अपने बच्चों को कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे हो तो क्या पढ़ा रहे हो। 21वीं सदी में के स्कूलों में अगर कंप्यूटर के टीचर रखने के लिए आपके पास पद नहीं है तो लानत है ऐसी सरकार पर और लानत है ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर। बात सिर्फ पदों की नहीं है, भर्तियां तो होनी चाहिए लेकिन पद भी होने चाहिए। मुझे आपकी चिंता है भाई, लेकिन आपसे ज्यादा मेरा दिल इस बात के लिए रो रहा है कि आज हमारे स्कूलों में जो बच्चे बैठे हैं वो 21वीं सदी में बैठ के उनको कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर टीचर नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं। मुझे आपकी भी चिंता है लेकिन उन बच्चों की भी चिंता है जो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे होंगे हम उनको वहां पे बिठा के। आइए बदलते हैं, इस परिवर्तन को बदलते हैं। फिर से कहूंगा कि अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाने के लिए वोट डालिए। एक और चीज जिसकी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी, ईशुदान भाई ने उसका जिक्र किया और दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाजपा वाले हमेशा कहते हैं बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, फ्री संभव ही नहीं है, रेवड़ी हो जाएगी, बदनाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दिल्ली में करके दिखाया जीरो बिजली का बिल, पंजाब में हो गया जीरो बिजली का बिल, गुजरात में भी हो सकता है जीरो बिजली का बिल। शर्त यह है कि आपके वोट से कांग्रेस नेता के घर का बिजली का बिल जीरो होगा या आपके वोट से बीजेपी के नेता का बिजली का बिल जीरो होगा या आपके घर बिजली का बिल जीरो होगा।
अगर बीजेपी वालों को वोट दोगे और बीजेपी वाला जीतेगा तो बीजेपी के नेता का बिजली का बिल जीरो होता है, अगर कांग्रेस का नेता जीत के जाता है तो कांग्रेस के नेता का बिजली का बिल जीरो होता है, अगर झाड़ू वाला जीत के जाता है तो आपके घर का बिजली का बिल जीरो होता है। यही अंतर है अरविंद केजरीवाल और हम बाकी लोगों में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग YouTube देखते होंगे, YouTube है बहुत लोगों पे होगा, कभी सर्च कर लेना जब कभी मन करे, सर्च कर लेना बीजेपी के नेताओं के भाषण, सर्च कर लेना कांग्रेस के नेताओं के भाषण, सर्च कर लेना आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के भाषण। आपको लगेगा बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले एक दूसरे को गाली देने की राजनीति के अलावा इनको कोई राजनीति नहीं आती है। इधर आप अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति देखोगे, उनके भाषण सुनोगे, आपको लगेगा इस आदमी को स्कूल अस्पताल कॉलेज बिजली के बिल जीरो नौकरी महंगाई से लड़ना इसके अलावा कुछ आता है कि नहीं आता, इसको ऐसी राजनीति नहीं आती। हमको राजनीति नहीं आती, हमको तो केवल स्कूल ठीक करने आते हैं, हमको केवल कॉलेज ठीक करने आते हैं, हमको केवल अस्पताल ठीक करने आते हैं, हमको बिजली के बिल जीरो करने आते हैं। सत श्री अकाल, धन्यवाद। मैं आपके बीच में दिल्ली से केवल यही कहने आया हूं कि इस बार के चुनाव में अपने बच्चों के लिए अपने घर के लिए वोट करिए और केजरीवाल जी को एक मौका देके देखिए। केजरीवाल जी की गारंटी है, जैसा यशोदान भाई ने अभी कहा, केजरीवाल जी की गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात में 300 यूनिट तक के बिजली के बिल जीरो आने लगेंगे, ये गारंटी है। दिल्ली में हो गया, चल रहा है सालों से, पंजाब में सरकार बनते ही हो गया, गुजरात में भी सरकार बनते ही हो जाएगा। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों जैसे कर दिए जाएंगे, और कंप्यूटर टीचर तो छोड़ो, वहां पे आधुनिक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कराई जाएगी जैसे दिल्ली में करा रहे हैं। आज दिल्ली में के सरकारी स्कूलों में चमत्कार हो गया, दिल्ली में सरकारी स्कूलों में गरीब से गरीब आदमी, रिक्शे वाले का बच्चा, यहां तक कि मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी मजदूर का बच्चा बिना कोचिंग के पढ़ के शानदार अंग्रेजी बोलता है और बिना लंबी चौड़ी महंगी महंगी कोचिंग के IIT में दाखिला हो रहा है इसका, इंजीनियरिंग में दाखिला हो रहा है उसका, मेडिकल में दाखिला हो रहा है उसका। शिक्षा के जरिए समाज को अमीर बनाना है। कोई लोग कहेंगे ऐसे अमीर बना देंगे, वैसे अमीर बना देंगे, कोई नहीं बन सकता, शिक्षा के जरिए अमीर बनाना है। आज दिल्ली में गरीब से गरीब आदमी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जो जाके मेडिकल की तैयारी करता है, इंजीनियरिंग की तैयारी करता है। अभी मैं और केजरीवाल जी 10 दिन पहले कुछ बच्चों से मिल रहे थे, एकदम बेहद गरीब परिवार का प्लास्टिक की चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री का दिहाड़ी मजदूर का बेटा मिला मुझको, बोला सर मैं 5 साल से आप लोगों की एजुकेशन की वजह से आज मैंने IIT में एडमिशन ले लिया है। वो 4 साल बाद इंजीनियर बन के निकलेगा IIT से कम 2 से 3 लाख रुपए की तनख्वाह होगी उसकी, कम से कम। दिहाड़ी मजदूर का बेटा बिना पैसा खर्च किए 2 से 3 लाख रुपए महीने की कमाई पे चल जाएगा। यह है केजरीवाल जी का जादू, यह है केजरीवाल जी का चमत्कार। इसलिए मांग रहा हूं कि एक मौका देके देखिए। दिहाड़ी मजदूर रिक्शे वाले का बेटा, अभी एक वहां पे मेड होती है घरों में काम करने वाली, मेड की बेटी डॉक्टर बन रही है अभी मिली, माता मुश्किल से 4,000-5,000 रुपए कमाती है, पिता नहीं है, आज नीट की परीक्षा देके एम्स में दाखिला लिया है उसने, डॉक्टर बनेगी, MBBS करेगी। जिस दिन 4-5 साल बाद MBBS करके निकलेगी, कम से कम 2-3 लाख रुपए महीने कमाएगी। 5,000 रुपए कमाने वाली की बेटी 5 लाख रुपए कमाया करेगी 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर। ऐसे सरकार अमीर बनाती है, ऐसे अमीर बनेंगे लोग। यहां तो बीजेपी वालों का अमीर बनाने का फॉर्मूला है, आप जानते हैं, मेहसाणा दूर नहीं है मुझे, हो सकता है यहां की भी कहानी हो। कल मेहसाणा में था, वहां के पत्रकारों ने मुझे बताया, वहां के कुछ नेताओं ने भी बोला, हाँ बात ठीक है, कार्यकर्ताओं ने बोला। मेहसाणा के एक बीजेपी के नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम आप जानते हैं, मेहसाणा के बीजेपी के नेता हैं, चुनाव लड़ने से पहले जब राजनीति में आए थे तो 4 बीघे जमीन के मालिक होते थे, आज 1,000 बीघा जमीन के मालिक हो गए हैं। यहां नेता अमीर होते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप 5,000 रुपए कमाते हैं, आप अपने बच्चे के लिए अपना वोट दे दीजिए इस बार, 5 साल बाद उसका कैरियर उस तरफ चला जाएगा जहां वो 5 लाख रुपए महीने कमाया करेगा। यह आपको लेकिन करना पड़ेगा, यह बदलाव आपको करना पड़ेगा।
और कोई राजमार्ग है ही नहीं, कोई नेता यहां आके खड़ा हो और कहे मुझको वोट दे दीजिए, मैं दफ्तर में बैठ के ऐसी योजना बनाऊंगा। कोई योजना आपको अमीर नहीं बना सकती, केवल और केवल शिक्षा आपको अमीर बना सकती है, अच्छी शिक्षा आपको अमीर बना सकती है, और वो अच्छी शिक्षा देना केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को आता है, बाकी सब किसी को नहीं आता। जब से अरविंद केजरीवाल जी गुजरात की जमीन पर चुनाव की तैयारी के लिए आने लगे हैं, एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, और बताना सही कह रहा हूं कि गलत। जब से अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आने लगे हैं और कहने लगे हैं कि हम सरकारी स्कूल ठीक करेंगे गुजरात के, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, आपने कभी अमित शाह जी को किसी सरकारी स्कूल में नहीं देखा होगा, लेकिन हफ्ते भर पहले अमित शाह जी भी अहमदाबाद के एक नए सरकारी स्कूल बनवा के वहां पे फोटो खिंचाने पहुंच गए। जो काम भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने 27 साल में नहीं किया, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को जब लोगों ने मान लिया और ठान लिया कि अब अरविंद केजरीवाल जी को मौका देना है, तो अब दिखाने के लिए अमित शाह जी कह रहे हैं, देखो मैं नगर निगम का स्कूल का उद्घाटन करने आया हूं, थोड़े दिन बाद मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने भी आ रहे हैं। 27 साल से क्या कर रहे थे? 27 साल से ऐसी एजुकेशन दे रहे थे जहां हमारे बच्चों के कंप्यूटर भी नहीं मिलते स्कूलों में, और आज आप फोटो खिंचा रहे हो एक रंगे पुते स्कूल के सामने। नहीं अमित शाह जी, अब ये राजनीति नहीं चलेगी, अब गुजरात की जनता ने पूरा परिवर्तन का मन बना लिया है, और ये परिवर्तन इस बार सत्ता परिवर्तन का नहीं है, शिक्षा परिवर्तन का है, बिजली परिवर्तन का है, अस्पताल परिवर्तन का है, नौकरी परिवर्तन का है, नौकरी के लिए होने वाली परीक्षा में परिवर्तन का, कोई पेपर नहीं फूटा करेगा उसके परिवर्तन का है, दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में होने लगा है, और गुजरात में आने वाला है। आप सबसे मैं बस यही विनती करूंगा कि अब की बार झाड़ू की सरकार, अब की बार झाड़ू की सरकार लेके आओ। अभी थोड़ा सा ड्रामा होगा, अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं, ये लोग भी चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे, और इनका अंग्रेजी में बोलते हैं एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, गंदी गंदी हरकतें करने वाला डिपार्टमेंट भी चुनाव में उतरेगा। वो कहेगा यशुदान भाई तो पाकिस्तानी है, वो बोलेगा आपके लावेश भाई तो खालिस्तानी है, वो बोलेगा आके देखो इनके ऊपर तो फलाना आरोप है, बोले स्कूल बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे ये बताओ, कॉलेज बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे ये बताओ, अस्पताल ठीक कराओगे कि नहीं ये बताओ, बहुत बोलेंगे। जैसे जैसे गुजरात में चुनाव का माहौल बना, आप लोगों ने टीवी पे सुना होगा, जैसे जैसे गुजरात में चुनाव का माहौल बना कि आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देने का माहौल बन रहा है, वैसे वैसे उन्होंने अपनी सीबीआई को कहना शुरू किया इनको दुखी करो इनको दुखी करो। मेरे घर सीबीआई लेके पहुंच गए, मेरे घर में कुछ था नहीं, मैंने कुछ कमाया ही नहीं, बोले अच्छा लॉकर में तो होगा, लॉकर में पहुंच गए, मेरे गांव में पहुंच गए पुश्तैनी गांव में, बोले वहां तो जमीन खरीदी होगी, गांव के एक एक आदमी से पूछ के आए, यार मनीष सिसोदिया ने कोई तो जमीन खरीदी होगी, गांव वाले बोले जी बड़ा दुष्ट आदमी है, एक भी जमीन नहीं खरीदी इसने, बोले लॉकर दिखाओ, लॉकर में पहुंच गए, वहां पे क्या मिला? वहां पे मिला मेरा 18 साल का बच्चा है, वो जब पैदा हुआ था तो उसकी नानी ने उसको चांदी की चम्मच और झुंझुना दिया था, मेरी बीवी के लॉकर में मिला चांदी का झुंझुना, बच्चे का झुंझुना, क्या मिलेगा? मैं डरता नहीं हूं इसलिए क्योंकि बेईमानी नहीं की, कट्टर ईमानदार हूं, अरविंद केजरीवाल जी का शिष्य हूं राजनीति में, इसलिए डरता नहीं हूं, ईमानदारी से राजनीति की है, ना कुछ आगे है ना इस तरह से पीछे है कि मुझे डरा सको और फंसा सको। लेकिन जब मैं नहीं डरा तो मुझको बोले जानते नहीं हो मनीष जी, सीबीआई के चक्कर में आने के बाद में जिंदगी जेल में कटती है। मैंने कहा जिस भगवान ने, मैं ऊपर वाले पे यकीन करता हूं, जिस ऊपर वाले ने ये कुर्सियां दी हैं वही ऊपर वाला जेल भी दे देगा, उसकी दी हुई कुर्सी पे बैठे उसकी जेल में बैठ लेंगे। बोले मजाक में मत लो, ये बीजेपी वाले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा समझौता कर लो, बात करो। मैंने कहा क्या बात करूं? बोले देखो इनसे थोड़ा सा दोस्ती करवा देते हैं। मैंने कहा दोस्ती तो मैं किसी से भी कर सकता हूं, करवा दो। तो बोले आप कितने विधायक तोड़ के ला सकते हो? मैंने कहा हैं, दोस्ती करने के लिए विधायक तोड़ने पड़ेंगे? बोले नहीं नहीं आप समझा करो, अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में मजबूत होते जा रहे हैं, आप यहां इनके दिल्ली में विधायक कितने तोड़ सकते हो? मैंने कहा मैं गद्दारी नहीं करता हूं, अभी अभी आए थे ना समाज के लोग, जो समाज के लोग पगड़ी पहना गए हैं, उस समाज की पगड़ी में गद्दारी नहीं छिपी हुई है,
उस समाज में ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने घास की रोटी खा के, जंगल में बैठ के घास की रोटी खाना मंजूर किया, लेकिन जुल्मी सत्ता के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया। उस समाज में ऐसे लोग रहे हैं। मैं गद्दारी नहीं करूंगा, गद्दारी मेरे खून में नहीं है, गद्दारी मेरी परवरिश में नहीं है, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। तो बोले फिर जेल में डका रहो।